अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर नज़ीर अहमद आपके साथ एक मरतबा फिर नई वीडियो में। डॉक्टर नज़ीर न्यूरोसर्जिकल नेटवर्क के थ्रू आज हमारी टॉपिक वो है न्यूरोसर्जरी के रिलेटेड, जो रसौलियाँ होती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उनकी क्या निशानियाँ हैं, वो हमें क्लिनिकली कैसे पता लगता है, जिसके बाद हमें हमारे एडवाइस करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो अचानक जैसे नज़र का कमज़ोर हो जाना, ऐसा ऐसा नज़र का अचानक या ऐसा ऐसा नज़र का कमज़ोर हो जाना, सूंघने की जो अलामत है वो लॉस ऑफ स्मेल जिसको कहते हैं, सूंघना लॉस होना, उसके अलावा किसी साइड गिर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, सर दर्द हो रहा है, उसके अलावा फिट्स झटके मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो ये अलामत जब हों तो आप न्यूरोसर्जन से रब्ता करें और वो न्यूरोसर्जन आपका MRI कराता है मरीज़ का और एडवाइस करता है सर्जरी। तो अक्सर हम मरीज़ जो हैं या लोग जो हैं वो परेशान होते हैं न्यूरोसर्जी की जो सर्जरीज़ हैं वो ज़्यादा पेचीदा हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ऐसा नहीं है। हर न्यूरोसर्जी की सर्जरी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कई जो ट्यूमर डीप सीटेड होते हैं बहुत कम परसेंटेज में हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अदरवाइज़ जो सरफेस ट्यूमर हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुँचें। कमेंट्स में बताएँ हम अपनी वीडियोज़ कैसे बेहतर कर सकते हैं। लाइफ में खुश रहें। शुक्रिया।